वैसे स्टूडेंट जो मुंगेर यूनिवर्सिटी में सत्र 2022 टू 25 वाले बीए बीएससी तथा बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता है और उसको अभी तक आईडी और पासवर्ड नहीं प्राप्त किया है, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी द्वारा इस साल का एक लास्ट चांस दिया जा रहा है और अब आप एप्लीकेशन आईडी और प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू, स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल मलेरिया टेलीग्राम पर। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक आवश्यक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, तब मीठी मीठी आवश्यक एक कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो नहीं अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्पॉट एडमिशन के बारे में आप लोग के साथ पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन ओपन करके रखा हूँ और ये दिनांक 18 का कल का नोटिफिकेशन था और यहाँ बताया गया है पूर्ण रूप से कि स्नातक खंड वन में एवं व्यवसाय पाठ्यक्रम सेशन 2022 टू 25 में स्पॉट नामांकन के पूर्व दिनांक 19/10 से लेके 22/10 तक नामांकन हेतु नए आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन करा सकते हैं तथा दिनांक 4/11 से सुबह 11 बजे से 12 तक स्पॉट नामांकन लिया जाएगा। इच्छुक छात्र छात्रा उक्त तिथि पर नामांकन ले सकते हैं। बता देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप एडमिशन के लिए आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं किए हैं तो अब आपका इस साल का लास्ट मौका दिया जा रहा है, आप प्राप्त कर सकते हैं। सेशन 19/22 के लिए यह है, 22/25 वालों के लिए 19 तारीख से आपका नया आवेदन के लिए प्रक्रिया 19, 20, 21 और 22 के तक रखा गया है, आप नया आवेदन के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और आप सोच रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट आता है, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी ने अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है पार्ट वन एडमिशन के लिए। वो सेशन चाहे 18 से लेके हो, 18 से अभी 22 तक के लिए हो, इसमें थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आता है, लेकिन कुछ यूट्यूबर का कहना है कि थर्ड मेरिट लिस्ट अभी इन दिनों से आता है, तो वो आपकी मर्जी है कि थर्ड मेरिट लिस्ट वो यूट्यूब वाला दे सकता है, लेकिन दोस्तों यूनिवर्सिटी द्वारा ये थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। हालांकि दोस्तों अब जो ये स्पॉट एडमिशन की नामांकन की प्रक्रिया है, वो आपका स्पॉट एडमिशन नामांकन की प्रक्रिया 4 तारीख से 4/11 से शुरू किया जाएगा जो 12/11 तक चलेगा। दोस्तों ये सुबह 11 बजे शुरू कर किया जाएगा और 12 तारीख तक ये चलेगा। स्पॉट एडमिशन कैसे होंगे, तो ये 4/7 तारीख से स्टार्ट होकर 12 तारीख तक चलेगा। आपका कॉलेज का लिस्ट आएगा, पहले कॉलेज का लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से सीट को बुक करनी है, उसके बाद उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन ले लेनी है, यही एडमिशन लेने की प्रक्रिया होती है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में और डिटेल क्या क्या दिया है उसके बारे में जान लेते हैं। स्पॉट एडमिशन के लिए नामांकन की प्रक्रिया कैसे होगा, वैसे बताया जाता है कि सर्वप्रथम छात्र डैशबोर्ड पर विषय बार का उपलब्ध सीटों की जांच कर सीट लॉक करेंगे। हालांकि लॉक करेंगे पहले ही बता चुका हूं। सीट लॉक हो जाने के बाद छात्र अपने कागजात का भौतिक सत्यापन संबंधित महाविद्यालय में कराएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है महाविद्यालय में कराएंगे। उसके बाद संबंधित महाविद्यालय द्वारा दस्तावेज का भौतिक सत्यापन करने के बाद भुगतान विकल्प पर क्लिक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के 24 घंटा के अंदर भुगतान नहीं होने पर नामांकन हेतु दी गई बुकिंग रद्द किया जाएगा और वह सीट खाली हो जाएगी। इसके बाद उस छात्र का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये था आपका ऑन स्पॉट एडमिशन नामांकन की प्रक्रिया, इस तरह से आपको ले लेनी है। और थोड़ा इसके बारे में विषय बारे में क्या दिया उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स को क्या प्रस्तुत करना है, महाविद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सूची, डैशबोर्ड कॉलेज विवरण का प्रिंट आउट की छाया प्रति, आवेदन पत्र की छाया प्रति, मैट्रिकुलेशन प्रवेश पत्र की इंटरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र छाया प्रति, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, अन्य बोर्ड के लिए माइग्रेशन, तब ये बीसीए बीबीए बायोटेक संबंधित शुल्क सत्यापन के बाद महाविद्यालय में ऑफलाइन जमा करना होगा। ये दोस्तों बीबीएस के लिए है, इसके में हम लोग का इसका मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपको दोस्तों जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एक मीठी मीठी आवश्यक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।